नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़रूम पोस्ट पर और मैं हूं आपके साथ रितिका। खाने पीने में लापरवाही और स्ट्रेस भरी लाइफस्टाइल की वजह से आजकल ज़्यादातर महिलाएं PCOS का शिकार बन रही है। दरअसल PCOS महिलाओं की ओवरी में होने वाला एक प्रकार का सिस्टिव है जो सेक्स हार्मोन में असंतुलन पैदा होने पर होता है। इस हार्मोन में होने वाले बदलाव पीरियड साइकिल और प्रेगनेंसी पर तुरंत ही असर डालते हैं, जिसकी वजह से ओवरी में छोटी सिस्ट बन जाती है। इस समस्या को ठीक करने के लिए महिलाओं को अपनी लाइफस्टाइल और हेल्दी खान पान पर ध्यान देने की जरूरत है। PCOS के लक्षणों की बात करें तो अनियमित मासिक चक्र, विलंबन चक्र होना, इस समस्या से पीड़ित लगभग 40-80% महिलाओं को वजन कम करने में समस्या आती है, गर्भ धारण करने में कठिनाई आती है। PCOS होने पर महिलाओं में Type 2 डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा उच्च रक्तचाप और हाई कोलेस्ट्रॉल होना इसका लक्षण है। अवसाद और आत्मविश्वास में कमी और चिंता भी PCOS के लक्षण है। अब आपको PCOS में कैसी आपको डाइट लेनी चाहिए ये जान लेते हैं। PCOS के पीड़ित महिलाएं अपनी डाइट प्लान करते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि उन्हें अपने आहार में ऐसी चीज़ों को ही शामिल करना है जो पूरी तरह से पकी हुई हो। थोड़ा सा भी अधपका खाना आपको अपनी डाइट में शामिल नहीं करना है। PCOS में डाइट प्लान करते समय अपने आहार में आपको हरी पत्तेदार सब्जियां और प्रोटीन ज़रूर शामिल करना है। कोशिश करें कि आप भूखा ना रहें। जब भी आपको भूख लग रही हो तभी खाना खाएं। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करें। हेल्दी कुकिंग ऑयल जैसे ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल में बनी सब्जियों का ही आपके लिए सेवन फायदेमंद होता है। PCOS से पीड़ित महिलाओं को अपनी डाइट में हाई फाइबर फूड्स जैसे ओट्स, ब्राउन राइस और होल ग्रेन को शामिल करना चाहिए। शुगर में कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो कि PCOS पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप अपने वजन का 5-10% भी वजन कम कर लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। इससे PCOS के लक्षणों में सुधार होता है। वजन में नियंत्रण, खान पान में ध्यान रखकर ही PCOS को सुधारा जा सकता है। तो उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आएगी और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।